क्वेश्चन 15 देखिए, द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू आर पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर रेस्पेक्टिवली, द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इन द 3:1 एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी आर, द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ एस इज. क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास दो पॉइंट हैं पी क्यू, ये दो पॉइंट हैं. वो कहता है कि यहां पर एक पॉइंट है दैट इज आर, वो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है. तो यहां पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ जो पी है वो क्या दे रखे हैं, पी वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो है वो हमें दे रखा है क्यू वेक्टर. और वो कह रहा है कि यहां पर एक एस पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट एस जो इस पी आर को इक्वल, यानी एस जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाता है, तो ये पी आर को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता, 1:1 में डिवाइड करता है. तो यहां पे एस का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. जैसे हमारे पास होता है कि यदि ये इस पॉइंट के ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यहां पे कोई सी पॉइंट है जो इसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो पी वी ऑफ सी क्या होता है, एम की यहां पे एन की यहां पे, एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल. इंटरनल डिवीजन के केस में ये फॉर्मूला होता है. तो पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकाल सकते हैं, पी वी ऑफ आर क्या हो जाएगा, 3:1 3 क्यू के पोजीशन वेक्टर से, दैट इज क्यू वेक्टर, यहां पे है पी वेक्टर. तो 3 प्लस पी वेक्टर अपॉन 3+1 यानी कि 4 हो गया. तो पी वी ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या हो गए, 3 प्लस पी वेक्टर अपॉन 4 हो गया. नाउ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एस के पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे. जनरली यही मिड पॉइंट फॉर्मूला है, अगर आप सेक्शन से बना के देखें तो यही बनता है. ये मिड पॉइंट है, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स का सम करो, उसको 2 से डिवाइड करो, तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ एस मिल जाएंगे. यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, 3 प्लस पी वेक्टर, ओके पी का तो पी ही है बस, पी का तो जो पोजीशन वेक्टर है वो पी वेक्टर ही है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ आर जो है वो हमने अभी निकाले, 3 प्लस पी वेक्टर अपॉन 4 और इस सभी के अपॉन में 2 है. एलसीएम आ गया 4 पी वेक्टर प्लस 3 प्लस पी वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या हो जाएगा, दैट इज 4+1 इज 5 पी वेक्टर प्लस 3 एंड 2×4 हमारे पास 8 आ जाएगा. तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ 8 हमारे पास मिल जाएगा. आप यहाँ पर पहले तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ आर मिल जाएंगे. एस इसका मिड पॉइंट है तो दोनों के बीच में मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ एस यहाँ पर लिख पाएंगे. तो एस के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो 5 पी वेक्टर प्लस 3 क्यू वेक्टर बाई 8 हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे.